स्वागत है आप सभी को फिर एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आप सभी कैसे हैं, उम्मीद करता हूं गाइस आप सभी काफी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में मजे में होंगे। तो गाइस आज मैं बता देना चाहूंगा आप सभी को, मैं काफी दिनों से बोल रहा था कि मेरा घर में जागरण हो रहा है बोल के मैं आप सभी को बोल रहा था, लेकिन गाइस आप सभी को मैं अभी तक वो वीडियो में आप सभी को मैं नहीं दिखाया। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं दिखाऊंगा कंप्लीट की आखिर हमारा घर में जागरण कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप मैं सारा कुछ दिखाऊंगा। एक्चुअली गाइस मैं बता देना चाहूंगा, अपना घर में जब कुछ भी प्रोग्राम होता है तो अपने आप में हम लोग बहुत सारे लोग बिजी हो जाते हैं। जैसे अपना घर के सदस्य मैं हूँ तो मुझको सबसे ज्यादा बिजी रहना पड़ता है क्योंकि सारा कुछ हैंडलिंग करना पड़ता है। मान लें किसी का शादी होता है तो अगर आपका शादी है या आपका भैया का है तो कहीं ना कहीं आपका मेन रिस्पॉन्स बनता है, आप उसी घर से हैं तो, क्योंकि सारा चीज को देखना होता है, सारा चीज को मैनेज करना होता है। तो उसी तरह से मैं भी काफी सारे में बिजी हो गया था, लेकिन गाइस मैं कुछ टाइम निकाल के वीडियो शूट किया और उनका मैंने कुछ वीडियो शूट किया और फोटो भी मैंने शूट किया कि आखिर हमारे हो इंडस्ट्री में, जैसे मैं हो मतलब हम लोग का जो कास्ट है हो है एसटी हम लोग, तो उसमें क्या है कि काफी सारे लोग अलग अलग तरह से लोग यहाँ पर क्या, जैसे अदर अदर कास्ट में अलग तरह से मनाया जाता है तो हमारे हो इंडस्ट्री में कुछ अलग तरह से मनाया जाता है। हमारा खाना पीना कैसा होता है, हमारा गेस्ट लोग को हम लोग कैसे इज्जत देते हैं, सारा कुछ मिडिल क्लास फैमिली और कितना कुछ सहयोग कर सकते हैं, कितना हाईफाई खिला सकते हैं। फ्यूचर में बहुत बड़ा प्लानिंग है अच्छी तरह करने का, बट अभी हम लोग के द्वारा जितना कुछ हो पाया सारा कुछ दिखाऊंगा गाइस। चलिए तो आज के वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम सो लेट्स सी। तो गाइस हमारा यहाँ पर शुरुआत होती है, यहाँ पर हमारा स्टोर रूम है और ये रहा एक छोटा सा स्टोर रूम बना है जो हम लोग का जो प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम का सारा सामान सब हम लोग यहाँ पर रखे हुए हैं और इधर में कुछ लोग हैं जो यहाँ का जो स्टोर का जो भी देख रेख करने वाला है यहाँ पर सारे लोग देखभाल कर रहे हैं। तो यार गाइस अभी यहाँ पर देख सकते हैं और अभी क्या है बहुत तेज का भी हवा चल रही है तो जिसकी वजह से थोड़ा सा धूल वगैरह हो जा रहा है खाना वगैरह सब में, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हवा का थोड़ा वेट कर रहे हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए तो यहाँ पर लोग अच्छी तरह खा पी सकता है। और यहाँ पर अभी क्या कि बहुत सारा भीड़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर में, और आप सबको पीछे लगा कैमरा से मैं आप सबको दिखाऊंगा कम्प्लीट कि यहाँ पर लोग कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, लोग सारा कुछ दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। तो अभी इन लोगों को क्या कि खाना दिया जा रहा है और अभी क्या कि सिंपली खाना पीना चल रहा है और शाम से ही इन लोग का जो भी अच्छा जो भी पकवान खाना हो वो लोग इन लोगों को खाया पिया जाएगा। इन लोग ये अपना चाचा और काम दाम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और बहुत ही मेहनती है, मैंने तो बहुत ज्यादा नोटिस किया हूँ। ये रहा हमारे यहाँ पर बहुत सारे मेहनत किए हैं तो अभी इन लोग क्या थोड़ा नाश्ता कर रहा है, नाश्ता में इन लोग हनिया पी रहा है और ये हनिया ही होगा, ये हनिया की रसी है, रसी है हनिया भी है रसी भी है। तो चलिए एक्चुअली क्या कि पीने का ऊपर निर्भर करता है जो लोग जैसे पसंद करते हैं, तो ये लोग अभी चकना खोज रहे तो चकना का व्यवस्था इन लोग को दिया जाएगा। तो गाइस अभी यहाँ पर क्या कि आप जो भी मेहमान लोग आ रहे हैं तो उनका अभी यहाँ पर कागज में लिखा जा रहा है और उन लोगों को एक कांदा दिया जाएगा जहाँ रूम होता है वो सारा चीज उन लोग को दिखाया जाएगा और वहाँ पर क्या वो लोग अपना खाएगा पिएगा। और ऐसे तो ये लोग भैया लोग मामा लोग हैं तो उन लोग का भी दिया जा रहा है। तो गाइस ये रहा स्टोर का इतना सारा सामान सब है और इधर में सारा कुछ इधर में अवेलेबल है इधर में, और जितना भी लोगों की आवश्यकता का चीज़ है सारा जो जो खाने पीने से रिलेटेड है, चावल हो गया, दाल हो गया और भी आलू दाल जितना भी सारा कुछ है सारा कुछ इधर में है। और इधर इधर सभी गांव वाले लोग हैं और ये लोग यहाँ से क्या कि वितरण कर रहे हैं, यहाँ से चावल अभी यहाँ से दिया जा रहा है यहाँ से। तो गाइस अपना यहाँ पर जो भी हो अपना प्रोग्राम के लिए कुछ छोटा सा टेंट मंगाए हैं, यहाँ पर 2 JBL है और ये रहा यहाँ पर ऑपरेटर है। और अभी क्या क्या अभी बहुत ही अभी हवा पानी आ रहा है जिसकी वजह से बंद किया जा रहा है, तो आप सभी को मैं शाम को दिखाऊंगा। ये रहा आज का ऑपरेटर जो मैंने यहाँ पे कुछ बताना चाहे आप लोग कुछ नहीं बताना चाहेंगे और कुदावरी में ला के अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी लोग से तो बातचीत हो गया और भी आप सबको स्टेप बाय दिखाऊंगा। अब इधर भी कुछ लोग बना रहे हैं, इधर खाना पीना बना रहे हैं और उधर का कुछ नजारा भी आप सबको मैं दिखाऊंगा कि उधर में लोग हम लोग कैसे कैसे दिए हैं। हम लोग तो पंडाल बना के हम लोग रेडी कर दिए बट आप सभी को मैं कंप्लीट मैं नहीं दिखाई हूँ। तो गाइस इधर रहा कुछ मेहमान लोग हैं और मेहमान लोग को हम लोग क्या कि कुछ रहने के लिए हम लोग यहाँ पर दिए हैं और आज भर रहेगा और कल से तो लोग चला जाएगा और ऐसे तो कल से प्रोग्राम चालू है। तो आज देखा गया था यहाँ पर लकड़ी का व्यवस्था है और इधर में रहने के लिए और इधर कुछ बकरी उकरी काटा जा रहा है, कुछ मीट मछली और सामने से एक्चुअली नहीं दिखा सकते, अभी बहुत तेज का बारिश आ रही है तो आप सबको मैं सामने से नहीं दिखा सकता। तो आखिर एक रूम में कैसे कैसे व्यवस्था होता है सारा कुछ दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो गाइस ये रहा हमारा एक छोटा सा स्टोर रूम है जहाँ कुक हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पर क्या कि सारा खाना वाना यहाँ से बनाया जा रहा है और यहाँ पर क्या कि अभी बारिश हो रहा है ना तो उसके वजह से अभी क्या सारा सामान सबका भी थोड़ा सरियाने में लोग लगा हुआ है यहाँ पे
तो जैसे बारिश खत्म हो जाए आपसे को मैं अच्छी तरह क्लियर वॉइस में दिखा देना चाहूंगा आप सभी को। अभी इन लोग अभी इन लोग रास्ते से तो पी लिया है और अभी इन लोग को खाना दिया जा रहा है। अभी यहाँ पे इधर खाना इन लोग को दिया जा रहा है क्योंकि अभी बहुत दूर से आए हुए है ना, तो अभी बहुत टाइम के बाद ये लोग पहुंच रहे हैं। एक्चुअली इन लोग को रास्ता देखने में मतलब मालूम नहीं था जिसके वजह थोड़ा सा लेट हो गया। कहाँ आ जा रहे हैं और अभी क्या कि बहुत तरीके अभी हवा पानी आ रहा है तो जिसके वजह थोड़ा पत्ता होता है धूल उड़ता उड़ रहा है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ हम लोग सारा चीज का हम लोग अरेंजमेंट किए हुए हैं। अपना भाई बहुत खुश नजर आ रहा है। इधर अभी खाना दिया जा रहा है और अभी क्या कि कुछ लोग मूनी खा रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहा है, सबका अपना पसंद पसंद भाई लोग अपना बांट रहा है। इधर में ये रहा अपना भाई यहाँ पर खाना खा रहा है, एकदम मस्त है, फुल पावर में, एकदम कई डबल बेड नाम है डबल बेड आप देख आप देख सकते गाइस आपको कैसे देख गुर गुर के देख रहे हैं। तो गाइस ये रहा हमारा एक छोटा सा किचन है और इधर बहुत सारे लोग काम धाम कर रहे हैं, इधर में अपना भाई लोग गांव के लोग, और इधर में क्या खाना रखा हुआ है और इधर बन के रेडी हो गया और कुछ सब्जी वगैरह चढ़ाया हुआ है और इधर में अभी उधर कुछ मेहमान लोग को देने के लिए इधर में निकाला जा रहा है। तो गाइस ये रहा अपना अपना भाई दोनों कैसे हो कैसे हो बोल रहा है। तो ये लोग अभी क्या कि जस्ट पहुंचा है, ये लोग क्या कि काम धाम में एकदम पीछे है, एकदम और खाने के लिए पहुंचा था हमको क्या ही बोले ये लोग को फुल पावर में। तो कैसे हो बताओ अपना ऑडियंस बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे हो। आते समय थोड़ा बार में चोट लग गया, बार में चोट लग गया, अच्छा बहुत जंगल है ना, जंगल है और डिटोल विटोल नहीं मिला आप लोग को? नहीं मिला। अच्छा डिटोल मिला। अभी खाना ना खाया कि नहीं खाया? अभी खाने वाला है, अभी खाने वाले हैं। तो अभी लोग अभी थोड़ा खाने पीने के लिए हम व्यवस्था करा देंगे। तो गाइस अभी हम स्टोर रूम पहुंचे हैं और ये रहा सागर भेंगरा, सागर भेंगरा नाम है ना, और ये क्या है कि आज स्टोर का सारा काम धाम यही संभाला हुआ है और क्या कि यहाँ का मेन जो लीडर है यही है और यहाँ पर क्या कि कुछ स्टाफ लोग भी है, मतलब गाँव के लोग है जो मदद करने वाले लोग है और ये लोग है और लोग काम धाम में सबको मदद कर रहे हैं और सबका नाम तो मैं स्टेप बाय स्टेप में नहीं बता सकता। ये दोनों तो गाइस सब समझ सकते, खाने पीने के लिए आता है, काम में तो इधर पूरा ही पीछे है, इतना खा रहा है फिर भी पेट भर के नहीं खा रहा है। आज तो खूब नचेगा ना राम सिंह, आज तो पूरा गर्दा जमा दो लगता है, मुन्नी नाचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुन्नी से नाचे या पैर नीचे पैर ऊपर ये जो भी है जैसे भी नाचो हम लोग बस एंजॉय करेंगे। आप लोग नाचो कि नहीं नाचोगे आप लोग बता दीजिए थोड़ा सा। नचोगे तो शाम को? बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ इधर हमारे सिस्टर लोग इधर कुछ काम धाम कर रही है, इधर क्या कि ये पत्ता बना रही है जहाँ पर क्या अभी खाने के लिए, खाने के लिए जो होता है ना तो प्लेट का उतना व्यवस्था नहीं हो पाया, इसलिए हमारा देसी जुगाड़ जो हमारे गांव जो हो इंडस्ट्री में कुछ इस तरह का से लोग खाया पिया जाता है। तो गाइस इधर रहा इधर कुक कर रहा है भाई, अपना नाम बता दीजिए। पोटोपूर्ति। और ये रहा क्या कि बहुत अच्छा बनाता है तो इनको स्पेशली मंगाया गया है बहुत दूर से और देख सकते इधर बना रहा है, इधर दाल बना रहे या सब्जी बना रहे, मुझे तो मुझको क्या कि धुआं लग रहा है इधर में तो हम देख नहीं पा रहे हैं, और इधर अपना भाई के साथ इधर बना रहा है। और आप सभी कमेंट करना मत भूलिए कि हमारे जो भी बन रहा है खान पान कैसे बन रहा है आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। यार गाइस अभी हम लोग यहाँ पर जो हमारे जो गेस्ट लोग है तो उन लोग को अब जगह दिया जा रहा है, तो अभी इन लोग को हम लोग साथ में लेके जा रहे हैं और आपसे को दिखाएंगे कैसे कैसे जगह दिया जाता है और कैसे जगह रहने का है और सारा कुछ यहाँ पर अभी व्यवस्था किया गया हुआ है, तो दिखाते हैं आप सभी को। इधर में कुछ डेकची उकची है और इधर में कुछ पुआल वगैरह सब है और इधर में लाल भाई अपना आ रहा है फुल पावर में। तो ये रहा इन लोग का जगह और यहाँ पर क्या कि प्रधान पूर्ति और इन लोगों को क्या कि यहाँ पर जगह दिया जा रहा है और यहाँ पर क्या कि इन लोग रहेगा और इन लोग का यहाँ पर व्यवस्था उस्ता सारा कुछ हो गया है, पुआल वगैरह जो भी लाना था हो गया इन लोग का। तो गाइस अभी इधर में क्या कि सभी लोग अपना जो भी खाना पीना जो भी लोग सब कुछ बना रहे, इधर में आग जला हुआ है और इधर में कुछ बर्तन वगैरह सब चढ़ाया हुआ है। नहीं कुछ तो ये तो बताया जा रहा है कि ये लोग भाभी लोग बोलते हैं, तो और इन लोग क्या अभी खाना वाना बना रहे इधर में और कैसे बना रहे वो तो अभी नहीं दिखा सकते हैं, और ये ढक्कन लगा हुआ है यहाँ पे क्योंकि बाद में देखेंगे जब इन लोग जब बन के रेडी हो जाएगा ना तो हम लोग खाने पीने के लिए आएंगे। इधर रहा भैया अपना और हम लोग साथ में आएंगे खाने के लिए, इसी नाम था पेड़ बने थे ठीक। तो गाइस अभी हम लोग मेरी सिस्टर लोग का जो कांदा है वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मिलना जुलना तो बनता है, बातचीत करना बनता है, और इधर रहा अपना जीजा के साथ आए हुए हैं और इधर रहा अपना गेस्ट लोग।
तो ये लोग बहुत कम जनसंख्या में आए हुए हैं, और भी लोग हैं तो उन लोग कुछ काम में बिजी हैं, तो उन लोग से मैं बाद में आशय को मिलाऊंगा। तो सारा कुछ तो आशय को मैंने दिखा दिया यहाँ आसपास का नजारा, और कंटिन्यू बने रहिएगा। और यहाँ पर कैसे कैसे लोग खाना पीना बना रहा है सारा कुछ दिखाएंगे इस ब्लॉग में, तो कंटिन्यू रहिएगा। तो चलिएगा आशय से बाद में मिलते हैं और भी आसपास का नजारा दिखाएंगे, और भी बहुत कुछ दिखाना बाकी रह गया तो दिखाएंगे आप सभी को, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। मेहमान लोग आए हुए हैं कुछ गाड़ी से, अभी यहाँ पर कुछ मेहमान लोग आए हुए हैं, तो अभी फिर से ये लोग अभी क्या कि नाश्ते से खाने के लिए अभी उन लोग को बैठाया जा रहा है। ये लोग आए हुए हैं, बहुत सारे मेहमान लोग आए हुए हैं, तो चले अभी इन लोग अभी रिसीव करते हैं जल्दी जल्दी। तो गाइस यहाँ पर अभी यहाँ पर कुछ सामान उनका हम तक लेन दो और दुकान तरफ तो ठीक अभी जाते हैं। आई होप कि गाइस आप सभी ने मेरा घर का जो भी प्रोग्राम था आप लोगों ने देख लिए होंगे वीडियो के माध्यम से। आप कमेंट करना मत भूलिए कि आप लोग अपना जो भी कास्ट में आप लोग कैसा मनाते हैं, आप कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारा होम इंडस्ट्री में तो कुछ इस तरह का मनाया जाता है, आप लोग किस तरह का मनाते हैं आप कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर गाइस आप सबको हमारा जो भी प्रोग्राम से मिलता जुलता है तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो आप सभी के लिए मैं लाता रहूंगा। तो गाइस आज के ब्लॉग हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट बार मैं अच्छी तरह लाने की कोशिश करूंगा और भी अच्छे से वीडियोस आप सभी के लिए डेली लाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में सपोर्ट बने रखिएगा। आपको अगला कौन सा वीडियो आपको देखना पसंद है आप कमेंट करना मत भूलिएगा ब्लॉग से रिलेटेड, और कैसे कैसे आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है आप कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।